रॉबिन सर लाए थे पता नहीं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताना बेटा कहां तक हुआ है लास्ट क्वेश्चन? बताओ जरा देख कहां तक हुआ है देखना। टाइप वन तो दो क्लास हो गई थी तो मुझे लगता है टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री तक हो गया होगा। टाइप फिफ्थ तो होना होगा शायद। देखो जरा चेक करो एक बार कहाँ तक हुआ है बताओ जरा देख के। हेलो बताओ बेटा किस कहाँ तक हुआ है क्या हुआ भाई? टाइप फर्स्ट हुआ था। टाइप फर्स्ट हुआ था। क्लास एक मिस हो गई क्या तुम लोगों की? ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं अगर दो क्लासें हुई हैं तो टाइप फर्स्ट तक नहीं हुआ होगा यार। देखो जरा मेरे ख्याल से सर एक ही क्लास हुई है। एक ही क्लास हुई है? यस सर एक ही हुई है क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर मिस हो गया था क्लास। एक क्लास अच्छा वो उसकी दिक्कत हो गई थी क्लास आईडी की दिक्कत हो गई थी याद आ गया मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्लास आईडी की दिक्कत हुई थी ना। हाँ 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 ठीक है। 10 मिनट की क्लास हो पाई थी। ठीक है। टाइप टू की एब्सेंट लगी हुई है सबकी। उसमें सर एब्सेंट है सबकी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। टाइप टू का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है?
टाइप टू के फर्स्ट का हेलो बताओ बेटा हाँ बेटा आवाज आ रही है। हेलो यस सर। ठीक है ठीक है। टाइप टू का फर्स्ट क्वेश्चन नेम कीजिए, आंसर बताइए क्या आएगा। सर 25% लॉस। 25% लॉस। हाँ बिल्कुल ठीक, 25% लॉस आ रहा है। कैसे किया है बताओ जरा। हेलो बताओ बेटा कैसे किया है। हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी। हेलो लॉस परसेंटेज निकाल दी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ठीक है ठीक है। देखो देखो ऐसे कर सकते थे, सीधा सीधा बोलता है 40 की सीपी, तो 40 मैंने एक आर्टिकल की सीपी को अगर सीपी माना तो 40 आर्टिकल्स की सीपी क्या हो जाएगी। 40 इंटू सीपी इज इक्वल्स टू किसके बराबर दिया है, 50 के एसपी के बराबर दिया है, तो 50 इंटू एसपी। तो यहाँ से आप जो आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा देखना जरा, एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा देखो फटाफट। एसपी अपॉन सीपी आपका आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी अगर 4/5 आ जाएगा तो आपको ये क्लियर दिख रहा है कि आपको 1 रुपए का लॉस हो रहा है 5 रुपीज पर। तो 1/5 कितना होगा बताओ फटाफट से। 1/5 आपका हो जाएगा 20%। तो आपको 20% का लॉस आएगा, ये ध्यान रखना, 25 का नहीं आएगा, 20% का लॉस। ठीक है क्लियर है बताओ बोलो। यस सर।
ठीक है, तो 20% का लॉस आएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ और आंसर बताओ। टाइप टू के सेकंड का आंसर बताइए क्या आएगा। हाँ कितना आंसर आ रहा है बताओ। कितना? 20%। हाँ 20% का नहीं बेटा, 20 नहीं आएगा, 25 आना चाहिए। क्या किया बताना जरा, क्या कैसे किया बताओ। यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है, देखो जरा यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि मुझे ऑन बाइंग एंड सेलिंग 30 एप्पल्स, ठीक है, वो 30 एप्पल्स सेल कर रहा है और बाय कर रहा है, तो उस पे उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है, 6 एप्पल्स की एसपी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं देखूं तो 30 की एसपी प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, एसपी माइनस सीपी करके निकालते हैं। तो ये तो एक आर्टिकल की हो गई प्रॉफिट, अगर 30 आर्टिकल्स की बात करेगा तो क्या करूं, 30 की एसपी माइनस 30 बोलता है प्रॉफिट कितने के बराबर दिया है, 6 की एसपी के बराबर दिया है, 6 की एसपी के बराबर का प्रॉफिट हो गया। यहां से मुझे सॉल्व करके बताइए एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या आएगा, जल्दी बताइए एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या आ रहा है, बोलो बेटा। बताइए फटाफट एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या आएगा। 5/4। वेरी गुड, ये आ जाएगा 5/4। तो अगर ये 5/4 आया इसका मतलब क्या है कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपी का प्रॉफिट होता है 4 रुपीज पर, तो 1/4 कितना होगा बेटा, 1/4 आपका हो जाएगा 25%। बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है गुड। इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट पर, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आके सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आएगा। थर्ड सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। जब दो इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी इंटीजर ही आता है, एक नंबर
अब देखो जरा, पहले मुझे ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला इसमें। ये तो निकाल लिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है? सेक्शन जी क्या हो गया भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही आज? बताओ जल्दी। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है बेटा, बताओ? तुम लोग बोलोगे तो निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। अच्छा निकाल निकाल। टाइप टू का क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर एक बात बताइए, इसमें 12 रुपए वो 12 ऑरेंजेस 57 में जो बेचे हैं, ये बात ना ना ना, आप बेटा गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हो। टाइप टू का थर्ड अटेम्प्ट करना है, आपने क्लास देर में ज्वाइन किया। टाइप टू का थर्ड अटेम्प्ट करो, टाइप टू का थर्ड, टाइप वन का थर्ड नहीं, टाइप टू का थर्ड। सर प्रॉफिट 33, बिल्कुल ठीक, 33% 33.33% का प्रॉफिट है, शाबाश, ये ठीक है। और डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट परसेंटेज कितना आया, निकल पाया क्या? कर रहे हैं, करो करो करो। सर डिस्काउंट परसेंटेज 6.6? नहीं नहीं नहीं, 6.6 नहीं आ रहा। चलो ठीक है, काफी डेट ट्राई कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज आपका ठीक था, मैं क्लियरली दिया है कि आपकी 12 की जो सीपी है वो 9 की एसपी के बराबर है। तो सीधा सीधा जब आप एसपी अपॉन सीपी निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 4/3। ये जहां तो लोगों ने कर लिया होगा, है ना? तो आपको ये दिख रहा है कि 3 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपी का प्रॉफिट है, तो 1/3 हो गया। 1/3 कितना होता है हमारा? 33.33%। बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलो, बताओ बेटा, हेलो। 1/3 कितना हो गया? 33.33% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
अब इसमें एक चीज समझो ध्यान से, यहाँ पर ये बताओ सीपी थ्री आ रही है तो एसपी कितनी आ रही है, फोर आ रही है ना? Yes, sir. तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट है, एक रुपए का प्रॉफिट है ना पर ऑरेंज, अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो। देखो जरा दिख रहा है ना कि सीपी थ्री है तो एसपी फोर है, मतलब मुझे पर ऑरेंज 1 रुपए का प्रॉफिट है, यही तो हो रहा है बताओ, है ना? अगर मुझे पर ऑरेंज 1 रुपए का प्रॉफिट है, अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, अब मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन 10 oranges इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 oranges, तो हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट हम निकालते हैं एमपी माइनस एसपी करके, ठीक? तो 11.11 अब ठीक है, तो डिस्काउंट हम निकालते हैं एमपी माइनस एसपी करके, तो एमपी माइनस एसपी करके डिस्काउंट निकालते हैं, तो ये तो एक एक ऑरेंज की बात हो रही है, अब मुझे 10 oranges चाहिए, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 MP माइनस 10 SP, ठीक है? 10 MP माइनस 10 SP ये क्या है, ये डिस्काउंट है 10 oranges का, कितने के बराबर है ये सीधे सीधे दिया है, जो ये डिस्काउंट है वो 5 oranges की प्रॉफिट के बराबर है, और मुझे मालूम है कि अगर CP3 लेता हूँ SP4 लेता हूँ तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर ऑरेंज, ठीक है? तो 5 oranges पे जो प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा 5 rupees इक्वल, तो 5 इज इक्वल टू 10 MP माइनस SP आपके पास है 4, तो इसकी जगह 4 पुट कर दो, ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ से मुझे बताना जरा MP कितनी आएगी, एक ऑरेंज की MP कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ, बोलो बेटा MP कितनी आ जाएगी पर ऑरेंज? 4.5 MP आ जाएगी 4.5, तो MP आ गई 4.5, ठीक है? तो ये हो गई MP 4.5, तो MP, अब मुझे बताना जरा डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, कैसे निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट? SP अपॉन MP का रेशियो देख के, तो SP है 4 और MP है 4.5, तो कितना मैंने कितना डिस्काउंट दिया, 0.5 का डिस्काउंट दिया, कितने रुपए पे, 4.5 पर, क्योंकि MP 4.5 थी, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा बताओ फटाफट से, बोलो बेटा ये कितना परसेंट हो जाएगा, 1/9 ये हो जाएगा 1/9, तो 1/9 कितना होता है हमारा 11.11%, ठीक है? 11.11% हो गया, तो बताना मुझे डिफरेंस कितना आ जाएगा, पहले प्रॉफिट था 33.33 का, तो डिफरेंस आ जाएगा 22.22%। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सर ये डिस्काउंट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया था कि 10 ऑरेंजेस पे डिस्काउंट है वो 5 के प्रॉफिट के बराबर है, तो 10 ऑरेंजेस पे डिस्काउंट देखो जरा कितना है, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस एसपी करके निकालते हैं, ठीक है? तो मैंने एमपी माइनस एसपी किया, लेकिन यहाँ पर 10 ऑरेंजेस की बात थी इसलिए 10 की एमपी माइनस 10 की एसपी कर दी। अब ये डिस्काउंट सीधे सीधे दिया है 5 के प्रॉफिट के बराबर, इसको क्या किया यहाँ पे मैंने 5 लगा दिया, तो 5 इज इक्वल टू 10 MP माइनस 10 into SP कितनी 4, क्योंकि SP यहाँ पे 4 आ चुकी थी मेरी, क्योंकि मैंने CP3 मानी तो मेरी SP 4 आ गई है, तो 5 इक्वल टू 10 MP माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये हो गया 40, अब ये 40 हो गया तो ये 40 इधर जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा नहीं हो जाएगा मुझे बताओ, तो MP 4.5 आ जाएगी नहीं आ जाएगी बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है जिन्होंने पूछा है? यस सर, ठीक है? तो MP 4.5 आ गई, अब इन्होंने पूछा क्या है आपसे, अब इन्होंने आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि प्रॉफिट वो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें SP अपॉन MP के रेशियो की जरूरत पड़ती है, तो SP मेरी 4 है, MP मेरी 4.5 है, तो कितना डिस्काउंट दिया मैंने, 0.5 का जो डिस्काउंट दिया देखो जरा, यस सर, 0.5 का डिस्काउंट दिया कितने पे, 4.5 पे, तो 1/9 हो जाएगा, क्लियर है? चलिए ये सर क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए कहां गया, हाँ अब कहां गए हम, क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दो क्या आएगा, टाइप 3 के ये पार्ट है, 4 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर दो क्या आएगा टाइप 3 के,
बताओ बेटा टाइप थ्री के फर्स्ट का आंसर आया क्या? देखो जरा अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको दिया है 12.5% प्रॉफिट और फिर दिया है 16.6% लॉस, दो आर्टिकल की बात चल रही है और बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताओ। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनो जरा, यहाँ पर 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है पहले मुझे ये बताओ, बताओ फटाफट 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा बताओ। हेलो, 1/8 होता है, ठीक है ये ध्यान से समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। मतलब ये क्या बताने की कोशिश, 1/8 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/8 हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 रुपीज पर अगर मैं 1 रुपी का चेंज करता हूँ तो 12.5% का चेंज हो जाएगा, ठीक है ये चीज ध्यान से समझ लो, 8 रुपीज पे अगर मैं 1 रुपी का चेंज करता हूँ तो 12.5% का चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब अगर 1 रुपी बढ़ा दोगे तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 रुपी डिक्रीज कर दोगे तो 12.5% का लॉस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ है तो अगर मेरी सीपी 8 हो गई तो मुझे बताना चाह रहा है एसपी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, बोलो भाई एसपी कितनी हो जाएगी अगर सीपी 8 है तो।
क्या हुआ सेक्शन डी सेवन नाइन हो जाएगी बेटा प्रॉफिट है ना तो नाइन हो जाएगी चलो अब दूसरा बताओ दूसरे में बोल रहा है 16.66% का लॉस है ठीक है अगर 16.66% का लॉस है तो फ्रैक्शन बताना कितना आएगा 16.66% का 1/6 वेरी गुड तो अब लॉस बोल रहा है तो सीपी अगर 6 हो गई तो एसपी कितनी होगी बताओ फटाफट से 6 रुपीज पे 1 रुपी का चेंज 16.66% का चेंज होगा सीपी 6 है तो एसपी कितनी होगी अगर मुझे लॉस हुआ है तो 16.66 का बताओ जल्दी एसपी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी शाबाश एसपी 5 हो जाएगी अब क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन में ये पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताइए कब पहली कंडीशन में निकालना है फर्स्ट वाली में जब सीपी सेम है दोनों आर्टिकल अब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का मतलब समझ लो क्या है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का मतलब ये है कि आपको टोटल बताना है दोनों आर्टिकल का टोटल मतलब कंबाइंड बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ कंबाइंड बताना है कितने परसेंट का लॉस हुआ ठीक है तो पहले ओवरऑल सीपी पहले तो सीपी लेकिन कंडीशन क्या दी है सीपी सेम होनी चाहिए तो पहले सीपी सेम करो भाई बताओ 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा क्योंकि यहाँ पे सीपी 8 है यहाँ पे सीपी 6 है 8 और 6 का एलसीएम बताओ क्या आएगा बताओ बेटा फटाफट 8 और 6 का एलसीएम 24 वेरी गुड 8 और 6 का एलसीएम अगर 24 आ गया इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया है और नीचे मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया है ठीक है तो एसपी में भी ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बताना जरा ऊपर ओवरऑल सीपी कितनी आ जाएगी ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी बताओ फटाफट से कितनी आ जाएगी बताओ बेटा ओवरऑल सीपी कितनी आएगी बताइए ओवरऑल सीपी कितनी आएगी हेलो क्या हो गया भाई तुम लोगों को आज ओवरऑल सीपी बताओ बेटा कितनी आएगी 24 और 24 कितनी हो गई 48 ओवरऑल एसपी कितनी हो जाएगी 47 वेरी गुड 47 तो देखना जरा लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है बताओ फटाफट लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कितने का 1 रुपए का 1 रुपी का लॉस है कितने रुपी पे 48 रुपीज पर ठीक है तो 1/48 कितना परसेंट होना चाहिए बताओ जरा सोच के 2 point something आएगा 1/48 2 point something percent में बता रहा हूँ वैसे आएगा point two point something percent आ जाएगा ठीक है तो 2.08 ठीक है ओरली निकाल दिया हमने कैसे हमें ये पता था कि 1/52% होता है या तो उसको यूज कर लो या फिर और एक्यूरेट निकालना है तो ये भी कर सकते हो कि 1/12 मेरा होता है 8.33 ये हमने टेबल में याद किया है अगर 1/12 8.33 होता है तो 1/48 की क्या करोगे 4 से 1/4 यहाँ पे भी करोगे तो 4 से डिवाइड यहाँ पे भी करोगे तो ये कैंसिल आउट करके 2 point something आ जाएगा ठीक है तो 2.0 something आ रहा है अभी बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में बेटा किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए नो सर नो डाउट ठीक है अब आप लोग एक काम करो इस क्वेश्चन का सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट के जल्दी से मुझे बता दो एसपी अपॉन सीपी कितना आ रहा है तीनों पार्ट के एसपी अपॉन सीपी बताओ फटाफट से सेकंड थर्ड और फोर्थ के मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है बताओ जल्दी Every day,
बताओ बेटा सेकंड का क्या आ रहा है एसपी कौन सीपी ये सर अभी का ठीक है बताओ बताओ सर फाइव परसेंट प्रॉफिट गया तो मुझे एसपी अपॉन सीपी का रेशियो बताओ क्या आ रहा है सेकंड वाले का 90/94 आना चाहिए देखो जरा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा सेकंड वाले केस में देखो कैसे लग रही तुम लोग 4 point something आएगा बेटा तुम अगर 4 point something को 5 बोल रहे हो तो बात अलग है बताओ भाई तो यहाँ से प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है 4/94 करके आ जाएगी ठीक है अब एक काम करो थर्ड वाले का बताओ आंसर क्या आ रहा है तो इसका अप्रोक्स आंसर आएगा 4 point something ठीक थर्ड वाले का बताओ एसपी अपॉन सीपी कितना आ रहा है इतनी इजर नहीं लगनी चाहिए तुमको पता नहीं क्या कर रहे हो बताओ जल्दी बताओ बेटा क्या आ रहा है इतनी देर क्या लग रही तुम लोगों को आज दिक्कत क्या है मैं देखूं जरा कितने लोग हैं क्लास में
75% तो नहीं आएगा बेटा आज तो 34 है बताओ क्या आ रहा है थर्ड का एसपी अपॉन सीपी इतनी देर का नहीं है बेटा ये व्हाट टाइम ले रहे हो तुम लोग बताओ जल्दी 85/88 बिल्कुल ठीक 85/88 आ जाएगा तो लॉस कितने का हो गया 3/88 का हो गया तो 3/88 आपका अप्रोक्स हो जाएगा 24% के आसपास अप्रोक्स 24 ठीक है आ जाओ अगले पे अब आप लोग एक काम करो फोर्थ का आंसर बताओ जल्दी से क्या आ रहा है फोर्थ का आंसर बताओ बेटा क्या आ रहा है फोर्थ का क्या आ रहा है बताओ बेटा फर्स्ट आर्टिकल की एसपी और सेकंड आर्टिकल की सीपी बताइए भाई अभिलाष अभिषेक आस्था बताओ बेटा क्या आ रहा है इसके कितना आ रहा है ऋषभ 2.08% हाँ ऋषभ ठीक है 2.08% देखो जरा यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल्स टू सीपी ऑफ तो एसपी अपॉन सीपी मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए 33/34 यस सर यही आ रहा है तो ये आ जाएगा 1/34 33/34 हाँ तो आपको ये 1/34 आ रहा है तो 1/34 अप्रोक्स कितना हो जाएगा देख लो 1/34 मुझे मालूम है कि 1/33.33 जो होता है वो 3.3% होता है ठीक है क्योंकि 1/3 33.33 होता है तो 1/33.33 3 के आसपास हो जाएगा तो ये आपका जो होगा 1/34 3.2 हो जाएगा 2.9 ऐसा कुछ आ जाएगा यस सर 2.9 ठीक है चलो अब आप लोग एक काम करो यहाँ पर हाँ ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे ये बताओ इसमें किसी को और कुछ पूछना है अभी जितना मैंने कराया अभी इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो अब एक काम करो यहाँ पर टाइप फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे और टाइप फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा कोशिश कर लो अपनी फिर हम डिस्कस करते हैं दो मिनट दे रहा हूँ अटेम्प्ट करो आराम से बताओ मुझे टाइप फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन टाइप फोर्थ मैंने अभी छुड़वा दिया मैं खुद से कराऊंगा बाद में अभी टाइप फिफ्थ मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि टाइप थर्ड और टाइप फिफ्थ में स्ट्रक्चर सेम है क्वेश्चन करने का इसलिए करा रहा हूँ टाइप फोर्थ में कराऊंगा पहले टाइप फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो अरे
आया किसी का आंसर क्या? फोर्टी परसेंट नहीं आ रहा। चलो अच्छा बता दे क्या किया तुमने, बताओ कैसे किया है। 40% तो आंसर नहीं है, बताना बेटा कैसे किया है। चलो देखो मुझे ये बताना 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, मुझे ये बताओ जरा। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है बताओ जरा, बोलो फटाफट। कितने लोग रह गए अभी? 1/10। हाँ 1/10 होता है, 25। क्लास खत्म हुए बिना ही निकल जाते हैं बहुत सारे। शाबाश, देखना पड़ेगा इनका लाइफ। ठीक है तो देखो जरा, 10% का फ्रैक्शन है 1/10। अब यहाँ पे जो 10% दिया है वो डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट किसको लिंक करता है आप सबको पता है? डिस्काउंट किसको लिंक करता है? डिस्काउंट लिंक करता है एमपी और एसपी को। ठीक है तो अगर एमपी मेरी 10 है तो मुझे बताना एसपी कितनी होगी, मुझे ये बताओ। एमपी 10 है तो एसपी कितनी होगी? डिस्काउंट दिया है मैंने 9। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था। एमपी 10 है तो एसपी 9 होगी। ठीक है अब दूसरे पे आ जाओ, क्या दिया है उसके आगे बोलता है शॉपकीपर को गेन कितना हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है। तो शॉपकीपर को अगर 20% का गेन हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन कितना है बेटा? 1/5 है। 1/5 है, ठीक है तो गेन हो रहा है। तो अगर मेरी सीपी 5 होगी तो एसपी कितनी होगी, जल्दी बताओ। गेन हो रहा है मुझे तो एसपी कितनी होगी? 6 होगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताना, क्वेश्चन में एक ही आर्टिकल की तो बात चल रही है ऊपर और नीचे, है ना? यस सर। डिस्काउंट तो एक ही आर्टिकल की बात चली तो क्या उसकी एसपी अलग अलग हो सकती है क्या? नहीं सर। तो एसपी सेम करेंगे मतलब, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। इसका मतलब यह है कि ऊपर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एसपी मेरी 18 हो जाएगी। तो आपके पास पूरा जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, एमपी आपकी 20 हो गई, ठीक है, एसपी आपकी 18 हो गई और सीपी आपकी 15 हो गई। बताओ क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है सीपी आपकी 15 हो गई। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर एमपी 20 है, एसपी 18 है, सीपी 15 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यहाँ तक के डेटा से आ गया था हमारा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर आपने डिस्काउंट दिया 20% का तो आपको अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है तो अब मुझे बताना जरा, एमपी 20 है, डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी पे तो मिलता है,
है ना? यस सर। देना जरा 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मुझे ये बताओ। 20% डिस्काउंट दूंगा तो 20 में से 20 का 20% कितना होगा? 4 रुपीज ही तो होगा, ठीक है? तो 20 - 4 कर देता हूँ, कितना आ गया? 20 - 4 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, है ना? तो मेरी एमपी कितनी हो गई? मेरी एमपी 16 हो गई। अगर मेरी एमपी 16 हो गई और मुझसे पूछ रहा है मेरा गेन परसेंट कितना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है नई एसपी हो जाएगी, सॉरी नई एसपी 16 हो जाएगी मेरी, क्यों? क्योंकि 4 रुपीज का मुझे डिस्काउंट दे दिया मैंने, तो 20 - 4 16 हो गया, मैं गलती से एमपी बोल गया। तो नई एसपी मेरी 16 हो गई, मेरी एसपी 18 नहीं रही अब, वो पहले 18 थी जब डिस्काउंट 10% का था, अब जब डिस्काउंट 20% का दे दिया तो एसपी मेरी 18 नहीं, एसपी मेरी 16 हो गई। अब मुझे ये बताइए कि एसपी 16 है और सीपी 15 है, तो कितने परसेंट का मुझे प्रॉफिट हो रहा है? देखो जरा एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा, एसपी अपॉन सीपी, हाँ एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा मेरा 16/15 मतलब 1/15, तो 1/15 कितना होता है? 1/15 होता है कितना बताओ फटाफट, सिक्स पॉइंट समथिंग आ रहा, सिक्स पॉइंट 6% का आप उसको प्रॉफिट रह जाएगा। उससे पहले प्रॉफिट ज्यादा था लेकिन डिस्काउंट बढ़ने की वजह से उसका प्रॉफिट कम हो गया। जो कराया उसमें किसी को डाउट है तो बोलो अभी। ठीक है चलो, इसके बाद फिर हम अगली क्लास में करेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है आप लोग ट्राई करना।